थोड़ी देर बाद हम उन तीनों को देखते हैं एक वाटरफॉल पर, जहाँ पर जॉम्बी डेडपूल कहता है, मैंने कहा था ये जंगल में कहीं नीचे खत्म होता है। तब डेडपूल उसे अपने कपड़ों में डालते हुए कहता है, अंदर जाओ और चुप बैठो। और डॉक्टर बेटी को पकड़ते हुए कहता है, मेरे हाथ को पकड़े रखना। जिस पर डॉक्टर बेटी कहती है, तूम करने क्या वाले हो, और वो नीचे कूद जाता है। तब बाहर निकल कर जॉम्बी डेडपूल कहता है, मुझे नहीं लगता वो सांस ले रही है। तब वो उसे CPR देने जाता है, जहाँ पर अपने इमेजिनेशन में खो जाता है। जॉम्बी डेडपूल उस पर कहता है, तुम्हारे इमेजिनेशन में तुम मुझे क्यों ले आए। तब उठने के बाद वो डेडपूल को दूर कर देती है और वो आगे कहती है, हमें यहाँ से आगे निकलना होगा, शायद उस तरफ पर जाकर मैं एक सेटेलाइट कॉल कर सकती हूँ, लेकिन हाइड्रा ने अगर हमें पकड़ लिया तो वो रिपोर्ट कर देंगे। और कहती है, रात में इस जंगल में सफर करना खतरे से खाली नहीं। जिस पर डेडपूल कहता है, तो फिर हम यहाँ पर कैंप लगाएंगे, अब जाओ और मेरी तलवार लेकर कुछ वाइंस लेकर आओ, जिससे मैं अपना हाथ फिर से बांध सकूं। एक घंटे बाद कैंप लगाकर वो गाना गाने लगता है, जिस पर बेटी कहती है, ये सबसे अच्छा आइडिया है प्रीडेटर्स को अट्रैक्ट करने का। तब जॉम्बी डेडपूल कहता है, मुझे भूख लगी है, तुम मेरे लिए कुछ ला सकते हो। तब जॉम्बी डेडपूल उसका मुंह पकड़कर खोलते हुए कहता है, अगर तुम्हें चाहिए तो मेरे पास कुछ कीड़े हैं। उस पर जॉम्बी डेडपूल वो कीड़े खाते हुए कहता है, ये तो बहुत जूसी है। जिस पर गुस्सा होकर बेटी कहती है, जब से मैं तुम दोनों से मिली हूँ मेरी लाइफ हेल हो चुकी है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए चुप रहोगे ताकि मैं सो सकूँ। और थोड़ी देर बाद दोनों सो जाते हैं, लेकिन जॉम्बी डेडपूल कहता है, गाइज तुम भूल गए मैं सो नहीं सकता। और अगली सुबह डेडपूल बेटी से कहता है, अब तुम हमें लीड करोगी। तब आगे बढ़ते हुए वो कहती है, हमें इसके लिए आधा दिन लगेगा अगर हम नहीं चाहते कि हम किसी ट्रबल में पड़े। लेकिन थोड़ी दूर जाकर वो नीचे झुक जाती है। तब डेडपूल कहता है, क्या हुआ। इस पर वो डायनासोर की तरफ देखते हुए कहती है, हम अब बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। तब जॉम्बी डेडपूल को एक लाठी पर बांधकर वो आगे करते हुए कहता है, क्या हाल है वहाँ के। इस पर जॉम्बी डेडपूल कहता है, मुझे लगता है वो अपना लंच खत्म करके जा चुका है। इस पर बेटी कहती है, मुझे अब भी लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, हमें बहुत ही केयरफुल रहना होगा, क्योंकि जब बड़े प्रीडेटर्स चले जाते हैं तो उनका बच्चा कुचा खाने छोटे आ ही जाते हैं। तब डेडपूल कहता है, लेकिन मुझे कोई दिख नहीं रहा। तभी डेडपूल पर हमला करता है एक छोटा प्रीडेटर। तब उस डायनासोर से मार खाकर डेडपूल कहता है, अब मैं ये चीज याद रखूंगा कि मुझे सेवेज लैंड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तब वो डायनासोर बढ़ता है बेटी की तरफ, जहाँ पर वो मदद के लिए चिल्लाती है। तब डेडपूल आगे जाकर कहता है, मैं बचाऊंगा तुम्हें, और वो उस डायनासोर को मार देता है। तब बेटी उससे पूछती है, क्या तुम ठीक हो। तब डेडपूल अपने ख्यालों में खो जाता है और बेटी पूछती है, क्या तुम मर गए या जिंदा हो। जिस पर वो अपने ख्यालों से बाहर आते हुए कहता है, नहीं मैं जिंदा हूँ। तब कोई कहता है, अच्छा हुआ, वरना हमारा यहाँ तक आना वेस्ट हो जाता। तब हम कुछ लोगों को देखते हैं उन दोनों के सामने, जिसमें से एक कह रहा था, वरना हमारी वो मेहनत बेकार हो जाती जो हमने इस लाश को ढूंढने में की है। तब उन्हें देखकर बेटी एक चाल चलती है और डेडपूल की तरफ इशारा करते हुए कहती है, अच्छा हुआ तुम आ गए, इसने मुझे किडनैप किया था। तब वो कहता है, अच्छी कोशिश थी एम ऑपरेटिव, लेकिन मुझे पता है कि ऐसा नहीं है, अब सब लोग शांत बैठेंगे वरना। और वो डेडपूल को शॉक देते हुए कहता है, वरना हम ये करेंगे। वही दूसरी तरफ कजार ये सब देख रहा था, जहाँ पर उनके लीडर से एक आदमी कहता है, मिशन पूरा हो चुका है सर। जहाँ पर वो लीडर कहता है, नहीं हमने गलत आदमी को पकड़ लिया है, हमें उस चीज़ की तलाश है जो इसके सर जैसी दिखती है, लेकिन उसमें जॉम्बी वायरस है। तब कजार एक चीज़ देखकर रुकता है और कहता है, मुझे पता था ये छोटी चीज़ हमें किसी न किसी मुसीबत में ज़रूर डालेगी। तब हम देखते हैं जॉम्बी डेडपूल का सर, जो कह रहा था, चुप करो, अगर तुमने उन्हें नहीं बताया कि मैं यहाँ हूँ तो मैं भी उन्हें ये नहीं बताऊँगा कि तुम यहाँ पर हो।